राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय हमीरपुर में लड़कों व लड़कियों की अंडर 19 खेलों का आगाज उच्चतर शिक्षा उपनिदेशक अजय पटियाल ने किया। 3 दिवसीय खेलों में विजेता खिलाड़ियों को प्रदेश स्तरीय खेलों में भाग लेने का मौका मिलेगा। विभिन्न खेलों में 45 स्कूलों के करीबन 347 खिलाड़ी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। स्कूल प्रधानाचार्य व स्टाफ ने मुख्य अतिथि को सम्मानित किया। प्रधानाचार्य मंजू ठाकुर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ADPO राजेंद्र शर्मा परोल विद्यालय प्रधानाचार्य रानी चंद्रवती डोगरा स्कूल प्रबंधन समिति प्रधान पूनम शर्मा पवन पठानिया खेल स्पर्धा के को कोऑर्डिनेटर सुरजीत सिंह सुम डोगरा आदि मौजूद रहे। जिला को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसका भरपूर उपयोग करें और मैं अनुरोध करूंगा तमाम ऑर्गेनाइजर्स से कि उनकी पार्की नजर उन बच्चों को सिलेक्ट करें जो जिले का नाम रोशन कर सके और उनका ऐसा मार्गदर्शन करें ताकि वो दूसरे बच्चों को हराकर इस जिले को आगे तक भेजें। मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम उन लोगों का जो इस इवेंट की ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं। तभी ये मिलजुल कर अच्छा प्रयास रहेगा, साथ रहेगा, अच्छी टीम को हम बनाकर आगे भेज पाएंगे ताकि वो हम लोगों के लिए कुछ जीत कर लाए। बहुत सारी उपलब्धियां पिछले साल रही है, लेकिन अगर आप मान के चले कि सफलता जो है उसकी कोई मंजिल नहीं है, अच्छा प्रयास करें, सक्षम प्रयास करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा स्थानीय स्कूल के प्रधानाचार्य और उनकी तमाम टीम। ADPO राजेंद्र शर्मा ने बताया कि 1500 मीटर दौड़ में लड़कों के वर्ग में उठपुर स्कूल का आदित्य प्रथम रहा। दूसरे स्थान पर MPS मलोटी स्कूल के अभिषेक तथा ककड़ियार के अमित तीसरे स्थान पर रहे। लड़कियों के वर्ग में जंदड़ू स्कूल की अंजलि देवी प्रथम, नदौन स्कूल की मीनाक्षी दूसरे और नदौन स्कूल की अंजलि तीसरे स्थान पर रही। लड़कों की ऊंची कूद में रैल स्कूल के अनन्या प्रथम, कलर स्कूल के संदीप दूसरे तथा भोरेंस के अभिषेक तीसरे स्थान पर रहे। 100 मीटर दौड़ में हमीरपुर की दिव्या ने प्रथम, संजना ने द्वितीय तथा DAV स्कूल की अदिति ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जिला हमीरपुर स्कूली क्रीड़ा संगठन की जिला स्तरीय प्रतियोगिता एथलेटिक मीट जिसका आयोजन यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे जिला से 45 स्कूलों के लगभग 347 लड़के एवं लड़कियां एथलीट्स जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं और ये प्रतियोगिता 3 दिन तक यहां पर चलेगी, जिसका समापन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी करेंगे 11 तारीख को। जो बच्चे यहां पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे उनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि जिला हमीरपुर में ही 14 से 16 नवंबर को होने जा रही है, उसमें ये सभी बच्चे जो चयनित होंगे अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वर्ष जो हमारी एथलेटिक टीम है उसमें बहुत प्रभावशाली बच्चे जो हैं वो अपने प्रदर्शन के आधार पर इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय टीम में अपनी जगह बनाएंगे और इस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।